वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बीसीडी कोड के बारे में, मींस बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड के बारे में। ओके, सो इन बीसीडी ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट बाइनरी नंबर। ओके, बीसीडी इज अ वे टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द डेसिमल डिजिट विथ अ बाइनरी कोड। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा सिंगल डिजिट बाइनरी दिया हुआ है, सॉरी सिंगल डिजिट डेसिमल नंबर दिया हुआ है। तो सिंगल डिजिट डेसिमल नंबर अपना 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बीसीडी में कैसे रिप्रेजेंट करें, देखिए 8421 की हेल्प से। ओके, 8421, सो 8+1=9, ठीक है। तो 9 क्या हो गया, 1001, ठीक है। तो ये क्या है, 9 का बीसीडी है। ओके, अब मैं अगर मल्टी डिजिट की बात करूं, मल्टी डिजिट डेसिमल नंबर की बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने बात की 56 की, ठीक है। तो इसमें हम 5 के लिए अलग से लिखेंगे बीसीडी और 6 के लिए अलग से बीसीडी लिखेंगे, ठीक है। मतलब 5 अलग से 4 बिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट होगा और 6 अलग से 4 बिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट होगा बाय द हेल्प ऑफ 8421। ओके, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 0101, ठीक है। 6 के लिए क्या हो जाएगा, 0110। तो देखिए 5 के लिए क्या हो गया, 0101, 6 के लिए क्या हो गया, 0110, ठीक है। तो 56 को बीसीडी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0101 0110, ठीक है। ये हमने 56 को किसमें रिप्रेजेंट किया, बीसीडी में। ओके, तो यहां पे कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। ये 4 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, और ये 4 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। ओके, तो ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था बीसीडी कोड का, ठीक है। बीसीडी कोड को हम और भी क्या नाम दे देते हैं, 8421 कोड भी बोलते हैं हम लोग। ओके, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। चलिए अब इसका टेबल देख लेते हैं। जैसे देखिए डेसिमल 0 है, इसका बीसीडी क्या आ जाएगा, देखिए 8421 की हेल्प से निकालना है ना, 8421, तो 0 है तो सिंपल 0000। अगर 1 की बात करें तो ये 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ लिख दीजिए, 000। अगर 2 की बात करूं मैं तो 2 यहाँ पे है तो 1 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। मैं 3 की बात करूं तो देखिए 0 0 2+1 3 होगा ना, तो 1 1। सिमिलरली मैं 4 की बात करूं तो देखिए 0 4 यहाँ पे है ही तो 1 00। 5 की बात करूं तो 0 4+1 5 होता है तो 4 के नीचे 1 लिख दीजिए और 1 के नीचे 1 लिख दीजिए तो 0101। ऐसे ही हम करते करते 9 तक चलते हैं, ठीक है। 9 की मैं बात करूं तो देखिए 8+1 9 तो क्या आ गया, 1001। ये तो 9 तक का बीसीडी रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। अगर हमें 4 बिट में 10 को रिप्रेजेंट करना है तो नॉट पॉसिबल। जैसे ही हम 9 से 10 की तरफ बढ़ेंगे तो 4 बिट्स में रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बीसीडी कन्वर्जन का रूल है, ये क्या है, एक ये अपना मल्टी डिजिट डेसिमल है। ओके, तो इसमें क्या होगा, 1 के लिए अलग से बीसीडी लिखना पड़ेगा और 0 के लिए अलग से बीसीडी लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 0001 and 0000। तो ये कितने बिट्स लेंगे, 8 बिट्स। ओके, इसीलिए इसके आगे हम क्या नहीं लिखते हैं, 4 बिट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है इसके आगे। इसीलिए क्या होता है, अपना जो कॉम्बिनेशन बनता है 10, ये क्या है 10 का कैसे लिख सकते हैं, देखिए अपना कॉम्बिनेशन कौन कौन सा बनता है, 1010 से लेके जो 1111 तक का कॉम्बिनेशन बनता है, जो इसके बाद मीन्स 10 to 15 तक का कॉम्बिनेशन जो बनेगा, वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, इनवैलिड होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा।
So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon to get the further notification regarding the upcoming videos of digital circuit and system.